हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक न्यूज निकल कर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि जो प्राइमरी टीचर हैं और प्राइमरी स्कूल के लिए टीचर के जो प्राथमिक टीचर्स के लिए जो फॉर्म भरेंगे, जो प्राइमरी स्कूल के लिए, उनके लिए 100 अंक भाषा की जांच होगी और 100 अंक ज्ञान की जांच होगी, 50 बुद्धि की जांच होगी और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे। भाषा विषय सिर्फ क्वालिफाइंग विषय है। कुल मिलाकर 100 अंकों में से 30 अंक चाहिए। मेरिट बनेगी सामान्य अध्ययन यानी 150 अंकों का, और विज्ञापन 2 से 3 दिनों में आ जाएगी। उसी में पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। वैसे बताया गया है कि जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, स्कूल में चलता है, वही सब टॉपिक रहेगा। और इस एग्ज़ाम के लिए कम से कम 90 दिनों का समय दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। तो ये सारा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उससे ये निष्कर्ष निकलता है। जो पेपर 1 है, जिसकी बात की जा रही है कि भाषा की जांच, वो पेपर 1 है, लैंग्वेज की होगी। उसमें 30 मार्क्स लाने होंगे, वो क्वालिफाइंग होंगे। 100 मार्क्स जो ज्ञान की जांच और बुद्धि की जांच है, वो दोनों मिलाकर 150 मार्क्स के हो गए। और उन्हीं के जो पेपर 2 है, 150 मार्क्स का, उन पे ही मेरिट बनेगी। और आगे की जो भी मेरिट होगी, वही 150 अंकों पर आधारित होगी। और कम से कम 3 महीनों का समय दिया जाएगा इस तैयारी करने के लिए। और 2-3 दिनों के अंदर फिर से एक नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञापन आएगा, और उसमें पाठ्यक्रम का विस्तार भी बताया जाएगा कि किस तरीके का पाठ्यक्रम है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 7th फेज जो बीपीएससी टीचर की बहाली हो रही है, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होंगे, वो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं।